अस्सलामु अलैकुम। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है असेसमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। पहली बात है कि हमारे पास कोई कार्डियक पेशेंट आता है, उसकी हम असेसमेंट करते हैं, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। पहले तो हम जो चीज़ देखते हैं वो है प्रीकॉर्डियम एरिया। प्रीकॉर्डियम एरिया क्या है कि जो हमारी एंटीरियर चेस्ट के ऊपर वो सारा एरिया जिसके अंडर हार्ट और ग्रेट वेसल्स जो हैं वो लाई करती हैं, इसको हम प्रीकॉर्डियम एरिया कहते हैं। और ये हमारे टोपोग्राफिकल लैंडमार्क्स हैं हार्ट के, ठीक है। उसके बाद है वॉल्व्स के टोपोग्राफिक लैंडमार्क्स चार हैं, क्योंकि हमारे पास चार वॉल्व हैं, एओर्टिक वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, मिट्रल वॉल्व यानी बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व यानी ट्राइकस्पिड वॉल जो है वो लेफ्ट सॉरी राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल जा रहा है। अब जो एओर्टिक वॉल्व एओर्टिक एरिया है वो ये देखें फर्स्ट रिब सेकेंड रिब, तो जो सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस है वहां पे एओर्टिक एरिया है राइट टू द स्टर्नम। इस तरह यहाँ पे जो एओर्टिक वॉल्व की क्लोजर है वो हमें ज्यादा सुनाई देगी, ठीक है। ये है पल्मोनरी एरिया फर्स्ट रिब सेकंड रिब, तो ये सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में ये लाई करता है लेफ्ट टू द स्टर्नम। इस तरह ये ट्राइकस्पिड है, ये फोर्थ एंड फिफ्थ इंटरकोस्टल है लेफ्ट टू द स्टर्नम। और ये मिट्रल वॉल्व है, ये पहली बात तो है कि राइट सॉरी लेफ्ट टू द स्टर्नम है। देखें आप 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है और मिड क्लेविकुलर लाइन में है। ये हमारी क्लेविकल है तो ये इसकी मिड क्लेविकुलर लाइन है। आगे फिजिकल एग्जामिनेशन में हम सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन करते हैं। ऑब्जेक्टिव उसमें हम इंस्पेक्शन, पल्पेशन, अपीयरेंस प्रीकॉर्डियम की। उसके बाद पल्पेशन में हम पेरिफेरल पल्सेस चेक करते हैं, एपिकल पल्सेस मतलब इंपल्सेस ऑन द हार्ट, और पेरिफेरल इंपल्सेस हम रेडियल इंपल्स, मिड फेमुलर इंपल्स ये सब चेक करते हैं। प्रकर्शन है, एस्कल्टेशन है जिसमें हम हार्ट साउंड्स देखते हैं, मर्मर्स देखते हैं। तो पहली बात है सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाटा में चेस्ट पेन, डिजनिया, ऑर्थोपनिया, कफ, फटीग, साइनोसिस, एडिमा, नक्टूरिया, पास्ट कार्डिक हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री और पर्सनल हैबिट्स में कार्डिक रिस्क फैक्टर्स हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल इनटेक फर्दर। तो पर्सनल एंड फैमिली हिस्ट्री, डाइट हिस्ट्री, सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस, उसमें पता चलता है सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस से पता चलता है कि उस बंदा जो हमारे पास आया है उसका लाइफस्टाइल कैसा है, वो मेडिसिन किस तरह की ले रहा है। मतलब अगर वो स्टेबल है तो इट मींस कि वो अपनी जो भी मेडिसिन है वो ले रहा है, नो स्टेबल नहीं है तो प्रॉपर फूड भी उसको मुहैया नहीं है। सिगरेट स्मोकिंग हम देखते हैं कि पैक्स पर ईयर या पैक्स पर डे के लिहाज से। आगे पास कार्डिक हिस्ट्री हम उसकी लास्ट ईसीजी देखते हैं, स्ट्रेस में उसकी ईसीजी देखते हैं, सीरम कोलेस्ट्रॉल मेजरमेंट्स, अदर हार्ट डिजीज। फैमिली हिस्ट्री में हम हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। पर्सनल हैबिट्स में हम न्यूट्रिशन देखते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, एक्सरसाइज, ड्रग्स। आगे हम फिजिकल असेसमेंट देख करते हैं उसकी, मतलब फिजिकल एक्टिविटी उसकी है फिजिकल एक्टिविटी उसकी है या इनएक्टिविटी है। तो एक हेल्दी पर्सन की कम से कम 30 मिनट की मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए पर डे। ओबेसिटी अगर वो ऑबीज है तो उसमें उसको हाइपरटेंशन के रिस्क है, हाइपरलिपिडेमिया के, डायबिटीज के, जो क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स कार्डियोवास्कुलर डिजीज। आगे करंट हेल्थ प्रॉब्लम क्या करते हैं वो भी हमारे हेल्थ कंसर्न को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसी चीज जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज की तरफ लेके जा रही हो, चेस्ट पेन बेसिकली डिस्कम्फर्ट है वो कार्डिक चेस्ट में, तो वो भी एक कार्डिक डिजीज का सिम्टम है। इस्कीमिक हार्ट डिजीज या पेरिकार्डाइटिस या aortic dissection। फर्दर चेस्ट पेन नॉन कार्डिक भी हो सकती है, मतलब पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, एम्बोलिज्म हो सकता है, हायाटल हर्निया हो सकता है, कोई भी एंजाइटी रिलेटेड मस्कुलर स्ट्रेन हो सकती है या गार्ड हो सकता है।
गर्ड क्या है, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, तो किसी वजह से भी चेस्ट पेन होता है उसके लिए हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस करेंगे। यूजली जो चेस्ट पेन होती है उसका हम चेक करेंगे ऑनसेट, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, रेस्पिरेटिंग फैक्टर्स, रिलीविंग फैक्टर्स, लोकेशन उसकी क्या है, कहीं भी रेडिएट कर रही है जैसे चेस्ट पेन टुवर्ड्स लेफ्ट शोल्डर जो है वो रेडिएट करती है, टीथ में रेडिएट करती है, क्वालिटी उसकी क्या है, स्टबिंग है, बर्निंग है, इचिंग है, इंटेंसिटी क्या है। तो अब चेस्ट पेन की कैरेक्टरिस्टिक यूजली क्रशिंग, स्टबिंग, बर्निंग, वाइज लाइक एसोसिएटेड फैक्टर्स क्या है कि साथ में हमारी स्किन पैलर हो जाती है, स्वेटिंग है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, हार्ट रेस कर रहा है, हार्ट बीट्स जो है वो स्किप कर रही है, ठीक है। वंजाइना में जो यूजली कार्डिक सिम्पटम एक है वो क्लेंच्ड फिस्ट है। अब इसका क्या मतलब है, जब हम पेशेंट को पूछते हैं कि कार्डिक जो चेस्ट पेन आपको हुई है वो बेसिकली उसका अप लेवल हमें बताएं, तो वो अपनी फिस्ट को क्लेंच करता है और उससे वो जाहिर करता है कि मुझे इस शदीद पेन हुई है। तो ये क्या है, ये लिवेनिस साइन है। फर्दर हम प्रॉक्सिमल लैक्टरनल डिस्निया है, तो उसमें क्या है कि जब सो रहा होता है बंदा फ्लैट पोजीशन में होता है, उसमें क्या है कि सोते हुए जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया फॉर सेवरल आवर्स, क्योंकि फ्लैट लेटा हुआ तो वेनस रिटर्न ज्यादा हो रहा है, वेनस रिटर्न ज्यादा हो रहा है लेकिन कार्डिक आउटपुट जो है वो कम हो रहा है, तो वेनस रिटर्न जाता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकुलर में, राइट वेंट्रिकुलर से वो जाएगा अब लंग्स में ऑक्सीजनेट होने के लिए, लंग से अब वो लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है और लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है, लेकिन कार्डिक आउटपुट हमारी ना होने के क्योंकि हार्ट फेलियर है नहीं है, तो फ्लूड जो है वो अकुमुलेट करेगा पल्मोनरी में, लंग्स में, वहां पे क्या कॉज करेगा, पल्मोनरी कंजेशन है। अब कंजेशन क्या है कि अकुमुलेशन अब नॉर्मल अकुमुलेशन ऑफ फ्लूड या इंक्रीज ऑफ फ्लूड इन एनी कैविटी और एनी टिश्यू इज कॉल्ड कंजेशन। फटीग जो है वो कार्डिक आउटपुट हमारी डिक्रीज है तो हम फटीग हैं। पाल्पिटेशन है हमारी, पाल्पिटेशन क्या है, जो हमारी एबनॉर्मल हार्ट बीट्स होती हैं उसको हम पाल्पिटेशन कहते हैं। किस वजह से होती है, नॉन कार्डिक भी हो सकती हैं, कार्डिक भी हैं। अब नॉन कार्डिक में फटीग है, कैफीन है, निकोटीन है, अल्कोहल है। अब वेट गेन, चूंकि हमारा जो हार्ट है हार्ट फेलियर है, तो हार्ट फेलियर या उसे लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर कह सकते हैं, उसमें अब हार्ट जो है वो पंप करने के ब्लड काबिल नहीं है, लेकिन वेनस रिटर्न हो रहा है। अब वेनस रिटर्न क्या होगा कि ब्लड जो है वो वेन्स में पूल करता जाएगा, वहां पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ब्लड वेन्स से इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जाएगा, जहां पे ब्लड एक्युमुलेट होगा तो वो एडिमा काज करेगा। अब अगर एक लीटर ब्लड जो है या फ्लूड जब वो एक्युमुलेट हुआ तो यूजली 2.5 kg, 2.2 pounds, 1 kg जो है हमारा वेट जो है वो गेन होगा। सिंकोप क्या है कि ट्रांजिट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, क्योंकि हमारा जो ब्लड है ब्लड फ्लो टुवर्ड्स हार्ट वो वेरी लो है, सॉरी ब्लड फ्लो टुवर्ड्स ब्रेन जो है वो वेरी लो है। एडिमा हो जाएगा, आपको पहले पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो है वो इज नॉट एबल टू पंप ब्लड टुवर्ड्स द बॉडी, लेकिन हमारा जो वेनस रिटर्न है वो आ रहा है, ठीक है, वेन्स में ब्लड जो है वो पूल कर रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो वो लेग्स में या डिपेंडेंट बॉडी पार्ट्स में जो है वो फ्लूड को अकुमुलेट करेगा। अब क्या है, नक्टूरिया। नक्टूरिया क्या है कि बेसिकली सोता हुआ इंसान जब उसको वो जब एक बंदा जिसको हार्ट फेलियर है वो सोया हुआ, अब क्या है कि उसका जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज कर गया, ब्लड फ्लो डिक्रीज कर गया तो एब्सोल्युटली किडनी की तरफ भी ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। जब किडनी में से ब्लड फ्लो डिक्रीज है तो वहां पे फिल्ट्रेशन इंक्रीज होगी, फिल्ट्रेशन इंक्रीज होगी तो वाटर जो है वो ज्यादा उसकी सेक्रेशन होगी आउट ऑफ द बॉडी, तो सो वह बंदा जब उठता है फॉर यूरिनेशन बार बार तो उसको नॉक्टूरिया कहते हैं। नॉक्टूरिया कफ होगी, फटीग है, साइनोसिस यानी ब्लूशनेस,
क्यों होती है? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से होती है या लो कार्डियक आउटपुट से होती है, ठीक है। हेमोप्टेसिस भी यूजली पल्मोनरी प्रॉब्लम है, लेकिन इसको हम मार्टल स्टेनोसिस के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। अब डिस्निया है, डिस्निया क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। अब ऑर्थोपनिया है, यूजली जब हम फ्लैट पोजिशन में बंदा लाइंग पोजीशन में है, फ्लैट पोजीशन में, तो उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, लेकिन अपने जब पोजीशन चेंज करेगा सिटिंग या स्टैंडिंग में, तो वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है वो एलिवेट हो जाएगी, रिलीव हो जाएगी, ठीक है। जैसे प्रॉक्सिमल लेक्टर्नल डिस्निया है कि एक बंदा दो घंटे बाद उठ रहा है, क्यों उठ रहा है? क्योंकि उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है और वो क्या करता है कि अपनी विंडो खोल देता है ताकि उसे फ्रेश एयर जो है वो मुहैया हो। इंस्पेक्शन में उसकी हम पूरी बॉडी की बिल्ड चेक करेंगे, कलर, प्रेजेंस ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ओल्डर एज, स्किन उसकी, उसका कलर, उसका टेम्परेचर, एक्सट्रीमिटीज, वहां पे क्लबिंग तो नहीं है, कहीं पे कोई वास्कुलर चेंजेस, ग्लोशनेस, कोई स्किन चेंजेस, कैपिलरी, कहीं पे कोई हेमरेज या डीमा तो नहीं है। नेक वेन डिस्टेंशन यानी जुगलर वेन का प्रेशर चेक करेंगे, वो नॉर्मल है। जुगलर वेन का प्रेशर कब अब नॉर्मल होगा? जब कार्डिक आउटपुट जो है वो हमारी कम होगी। बीपी जो है वो स्पाइन है, स्पाइन में चेक करेंगे एक दो मिनट बाद। यूजली जो सिस्टोलिक है वो स्लाइटली ड्रॉप करेगा और डिस्टोलिक जो है वो इंक्रीज करेगा नॉर्मली। कैरोटिड और पेरिफेरल पल्स को हम चेक करेंगे, उसकी रिदम, प्रेजेंस, एम्पलीट्यूड, रेट और इक्वालिटी के लिए। आगे हम रिकॉर्डिंग असेसमेंट जो है वो हम करेंगे, इंस्पेक्शन ही करेंगे, उसके बाद पल्पिटेशंस करेंगे, परकशंस, ऑस्कल्टेशंस। अब इंस्पेक्शन हम मैनुअली करेंगे, जनरल एक्सपेंशन इंस्पेक्शन। हम देखेंगे कि कहाँ पे पेशेंट जो है वो रेस्ट फील कर रहा है, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं है, और कहाँ पे उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। हम उसका जुगलर वेन प्रेशर चेक करेंगे कि उसमें कोई अब नॉर्मल वेन्स वेव्स तो नहीं आ रही, क्योंकि जुगलर वेन अब क्योंकि ब्लड जो है वो ब्रेन से तो वापस हार्ट की तरफ आ रहा है कार्डिक आउटपुट में, लो कार्डिक आउटपुट में, लेकिन हार्ट टू ब्रेन नहीं जा रहा, तो ब्रेन से वापस आ रहा है, तो जुगलर वेन में प्रेशर भी इंक्रीज होगा क्योंकि वो ब्लड फर्दर आगे नहीं जा रहा। अब आगे हम क्यूटेनियस साइंस देखेंगे। क्यूटेनियस साइंस क्या है? स्किन के ऊपर या सबक्यूटेनियस टिश्यूज या स्किन के ऊपर ऐसे साइंस जो क्लिनिकल अपीयरेंस दे रहे हैं किसी नॉन डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर की, यानी मेरी अगर स्किन पे कहीं पे पेलरनेस है, कहीं पे पेलर है या साइनोसिस है, तो वो इस वजह से नहीं है कि वो मेरी कुछ स्किन प्रॉब्लम है, एलर्जी है, वो इस वजह से है क्योंकि मुझे हार्ट का इशू है या लिवर का इशू है। जैसे स्किन पेल हो जाती है जॉन्डिस में, तो वो क्यूटेनियस साइन है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, हमें क्लिनिकल अपीयरेंस से सिम्टम्स दे रहा है नॉन डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के। इसी तरह क्लबिंग ऑफ फिंगर्स है, तो वो नॉन डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से है, तो ये क्यूटेनियस साइन है। अब आगे उसका टेम्परेचर देखेंगे, स्किन की इंटेग्रिटी देखेंगे कि वहां पे हाइड्रेशन है या वो ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड है। आगे है जेनुवा लीजंस और ऑस्लर नोड्स, ये दोनों जो है ये एंडोकार्डाइटिस की वजह से होते हैं, ठीक है। एंडोकार्डाइटिस क्या, जब हार्ट के इनर सरफेस पे या उसके वाल्व्स पे कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो हम उसको एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। अब इन दोनों में क्या होगा कि हमारे स्किन और पाम्स और सोल्स पे फ्रीक्वेंट हेमरेजेस होंगी, ठीक है। आगे है स्प्लिंटर हेमरेजेस, हमारे जो नेल बेड है उसके नीचे रेडिश जो है वो ब्राउन जो है वो लाइन्स आना शुरू हो जाएंगी, स्प्लिंटर हेमरेज, ये भी हमें साइन दे रहा है कि कोई कार्डियक इशू है। प्रिकॉर्डियम के ऊपर हम एपिक्स बीट चेक करेंगे, स्कार्स तो नहीं है, लीजन तो नहीं है, कोई मीडियल स्टर्नोटॉमी तो नहीं है, यानी स्टर्नम को काटा तो नहीं गया किसी सर्जरी की वजह के लिए, कोई परमानेंट पेसमेकर तो नहीं है बंदे में। अब आगे है पाल्पिटेशंस, पहले हम उसकी एपिकल पाल्पिटेशंस चेक करेंगे, फिर पाल्पिटेशंस क्या, अब नॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट बीट क्या है वो, लेकिन हम यहाँ पे पाल्पेशंस देख रहे हैं, तो हम पल्सेस पेरिफेरल पल्स को पल्पेट करेंगे, एपिकल पल्स को
पल्पेट करेंगे। अब प्रीकॉर्डियम पल्पेशन हम काम करेंगे वाल्व्स एरिया पे, हमने देखा है ऑर्टिक बेस, पल्मोनरी बेस, मार्टरल बेस, ट्राइकस्पिड बेस, जहां पे हमें वॉल्व की क्लोजन की साउंड ज्यादा आ रही है तो वहां पे हम पल्पेट करेंगे। ठीक है, अब एपेक्स भी जो है वो हमें, चूंकि वो मार्टरल वॉल्व की है तो वो मिड क्लेविकुलर लाइन में शो होगी, राइट टू द स्टर्नम, सॉरी लेफ्ट टू द स्टर्नम एट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। ठीक है, और वो अगर कोई किसी को ओबीस है या एम्फाइसीमा है, फ्यूजन है, तो उसमें वो इम्पाल्पेबल होगी, इम्पाल्पेबल होगी। आगे हम बात करते हैं पेरिफेरल पल्स, अगर तो वो एब्सेंट है तो हम उसे मार्क करेंगे जीरो, अगर वो वीक है तो प्लस वन, नॉर्मल है प्लस टू, और फुल या बॉन्डिंग है तो प्लस थ्री या थ्री प्लस। Percussions. Percussions basically क्या होता है कि सर्जन या कार्डियोलॉजिस्ट या पल्मोनोलॉजिस्ट चेस्ट के ऊपर या किसी सरफेस एरिया के ऊपर टैप करके उसके नीचे देखता है कि उसके नीचे का जो सरफेस है वो रेजोनेंट है या हाइपर रेजोनेंट है। रेजोनेंट आवाज मतलब उसकी जो टैप करता है तो जो साउंड आती है तो उससे वो मेजर करता है। अगर तो चेस्ट के ऊपर हम टैप करें तो रेजोनेंट हो तो इसका मतलब है कि अंदर एयर पड़ी है, नॉर्मल एयर है। अगर वो हाइपर रेजोनेंट है तो इसका मतलब है कि अंदर या तो प्लूरा में किसी किस्म की प्लूरल फ्यूजन हो चुकी है, न्यूमोथोरेक्स हो चुका है, या फिर वहां पे पल्मोनरी एडिमा काज हो गया। ठीक है, इसी तरह हार्ट पे भी अगर रेजोनेंट है तो मतलब नॉर्मल है, अगर हाइपर रेजोनेंट है तो इसका मतलब है कि वेंट्रिकुलर इनलार्ज हो चुका है, वेंट्रिकल्स की जो वाल है वो थिकेंड हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये देख लें, ये डिटेक्ट कर रहा है हार्ट की इनलार्जमेंट को। हार्ट इनलार्जमेंट क्यों है, क्योंकि वेंट्रिकुलर वॉल्यूम इंक्रीज है, थिकनेस ऑफ हार्ट इंक्रीज है, थिकनेस ऑफ हार्ट वॉल्व की। जैसे मैंने आपको पहले बताया क्यों होती है, हाइपरटेंशन की वजह से, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से, हार्ट फेलियर या कार्डियोमायोपैथी की वजह से। अब आगे है ऑस्कल्टेशंस। ऑस्कल्टेशंस बेसिकली क्या है कि हम स्टेथोस्कोप के जरिए, स्टेथोस्कोप के जरिए हम क्या, हम साउंड सुनते हैं। ठीक है, वो कैसे सुनेंगे, अब ये है एओर्टिक एरिया, पल्मोनरी एरिया, ट्राइकस्पिड एरिया, फोर्थ एंड थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, मिट्रल एरिया। तो हम यहाँ पे अपना स्टेथोस्कोप का या तो डायफ्राम या उसका बेल, एक साइड पे डायफ्राम होता है जो बड़ा होता है और दूसरी साइड पे स्टेथोस्कोप की बेल होती है, तो हम उससे ऑस्कल्टेट करेंगे। अब ये देखें, ये है एओर्टिक, ये है पल्मोनरी एरिया, यह है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकुलर, राइट वेंट्रिकुलर, राइट एट्रियम। तो अब ये देखें, ये एक जी शेप बन रही है, ये देखें ये जी शेप बन रही है। अब क्या होगा कि हम ऑस्कल्टेशन करेंगे जेड पैटर्न से। ठीक है, जेड पैटर्न से उसका रेट चेक करेंगे, बीट्स का रिदम चेक करेंगे, हम S1, S2 को आइडेंटिफाई करेंगे और एक्स्ट्रा हार्ट साउंड सुनेंगे, लिसन फॉर मर्मर्स। अब कार्डियोवास्कुलर साइकिल में दो साइकिल, दो फेज होते हैं, डायस्टोलिक फेज, सिस्टोलिक फेज। अब डायस्टोलिक फेज में यूजली आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जो होते हैं हमारे वो ओपन हो रहे हैं। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व कब होते हैं, ओपन होते हैं। पहली बात है कि जब 75% जो हमारा वॉल्यूम है लेफ्ट एट्रियम से या एट्रियम से, सॉरी इकट्ठे एट्रियम से वेंट्रिकुलर में मूव करेगा पैसिवली। ठीक है, क्योंकि हमारे वेंट्रिकुलर्स रिलैक्स हैं, एवी वॉल ओपन हुआ, 75% जो है वो पैसिवली मूव किया रिलैक्स वेंट्रिकुलर्स में।
अब जो बकाया का 25% फ्लूइड है उसमें क्या होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर मजीद कंट्रैक्ट करेंगे, सॉरी एट्रियम मजीद कंट्रैक्ट करेंगे ताकि हमारा जो 25% ब्लड जो रह गया है वो मूव कर जाए वेंट्रिकुलर्स के अंदर। ये है सिस्टोलिक, ठीक है। अब डायस्टोलिक फेज क्या है, जब एवी वॉल्व्स क्लोज होते हैं। सिस्टोलिक फेज में क्या है, जब एवी वॉल्व्स क्लोज होते हैं, अब पूरा का पूरा ब्लड दोनों एट्रियम से दोनों वेंट्रिकुलर्स में आ चुका। अब क्या होगा कि चूंकि हमारे एवी वॉल्व्स जो हैं वो वन वे फ्लो अलाउ करते हैं, अब वेंट्रिकुलर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकुलर्स कॉन्ट्रैक्ट करके तो वो ब्लड को पुश करेंगे बैकवर्ड, ब्लड को क्या करेंगे पुश करेंगे बैकवर्ड, क्योंकि वेंट्रिकुलर फिर प्रेशर इंक्रीज होगा तो एवी वॉल्व्स क्लोज होंगे। एवी वॉल्व्स क्लोज हुए और सेमी ल्यूनर वॉल्व्स ओपन होंगे और ब्लड दोनों वेंट्रिकुलर से लेफ्ट से पंप होगा एओर्टिक एरिया में और राइट से पंप होगा पल्मोनरी आर्टरीज में। अब है हार्ट साउंड्स, क्या हार्ट साउंड्स, हार्ट साउंड्स क्या है कि जब ब्लड फ्लो करता है हार्ट में से, ठीक है, तो हार्ट बीट जनरेट होती है, ठीक है, जैसे ही हमारे वॉल्व्स ओपन और क्लोज हो रहे हैं तो हार्ट बीट हार्ट साउंड जनरेट हो रही है, ठीक है, वहां पे जो टर्बुलेंस क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से जो साउंड जनरेट हो रही है उसको हम बीट्स कहते हैं या हार्ट साउंड कहते हैं, ठीक है। स्टेथोस्कोप से हम साउंड चेक करते हैं, उसका एक पोर्शन को हम डायफ्राम कहते हैं जो उसका गोल बड़ा पोर्शन होता है और उसकी जो बैक साइड पे छोटी छोटा पोर्शन होता है उसको हम बेल कहते हैं। तो S1 और S2 साउंड लब डब ये हम डायफ्राम से स्टेथोस्कोप के मेजर करते हैं, चेक करते हैं, और जो उसके स्मॉल फ्रीक्वेंसी गैलप्स या मर्मर्स होते हैं ये यूज ऑफ बेल इसमें हम करते हैं। अब हेल्थी हर्ट्स में यूजली दो साउंड्स होती हैं, लब और डब। कैसी अभी साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, लब S1 डब S2, जब वेंट्रिकुलर्स में ब्लड फिल होता है, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होता है, बैक फ्लो करता है, जिसकी वजह से क्या होता है एवी वॉल्व्स जो हैं वो क्लोज होते हैं। एवी वॉल्व्स क्लोज हुए वहां पर टर्बुलेंस क्रिएट हुई, एवी वॉल्व्स क्लोज हुई वहां पे उन क्लोजन में एक साउंड प्रोड्यूस होगी जिसको हम कहेंगे S1 और वो साउंड कैसे होगी लब। उसके बाद आगे है जब वेंट्रिकुलर से अब एवी जो वॉल्व है आर्टरी वेंट्रिकुलर वॉल्व वो तो क्लोज हो चुका, अब सेमी ल्यूनर वॉल्व जो है वो खुल चुके, वेंट्रिकुलर से लेफ्ट वेंट्रिकुलर से अब एओर्टिक वॉल्व में और राइट वेंट्रिकुलर से पल्मोनरी वॉल्व में से गुजरेगा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टिक आर्टरी। अब एओर्टिक आर्टरी में ब्लड गुजरा, ब्लड गया, वेंट्रिकुलर्स खाली हो गए, एओर्टिक आर्टरी में ब्लड जो है वो उसका प्रेशर रिलीज इंक्रीज होगा, वो बैक फ्लो करेगा, बैक फ्लो करेगा जिसकी वजह से हमें ल्यूनर वॉल्व जो है वो क्लोज होंगे, तो हमें सेकेंड हार्ट साउंड जो है वो सुनाई देगी, ठीक हो गया। वेंट्रिकुलर वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड वॉल्व, फर्स्ट साउंड साउंड सिस्टोलिक S1 लब है, ठीक है, ये मिट्रल M1 आपको मैंने बताया और ट्राइकस्पिड T1 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, M1 की साउंड ज्यादा होती है और T1 की साउंड कम होती है, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय सडन ब्लॉक और रिवर्स ब्लड फ्लो ड्यू टू क्लोजर ऑफ आर्टरियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स, ये पहले मैंने आपको बता दिया। क्या होता है कि एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकुलर में आ जाता है,
अब वेंट्रिकुलर जब बैक फ्लो कर रहे हैं तो चूंकि ब्लड वापस वेंट्रिकुलर से एट्रियम नहीं जाएगा तो वाल्व्स जो है वो क्लोज हो जाएंगे। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकुलर के दरमियान जो वाल्व है उसको हम बाइकस्पिड यानी मिट्रल वाल्व कहते हैं, और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकुलर के दरमियान जो वाल्व है वो ट्राइकस्पिड कहते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि ब्लड फ्लो जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर में ज्यादा है ब्लड प्रेशर, तो मिट्रल वाल्व की जो साउंड है वो स्लाइटली इंक्रीज होगी T1 से, ठीक है। इसको हम लाउडेस्ट एट एपिक्स। अब लाउडेस्ट वन में क्या है कि हमारे वॉल्व्स जो हैं वो स्टिफ हैं, रैपिड राइज इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर है, शॉर्ट पीआर इंटरवल है। पीआर इंटरवल क्या है? पीआर इंटरवल बेसिकली वो इंटरवल है जहां पे हमारा एवी नोड, आर्ट्रियोवेंट्रिकल नोड और बंडल ऑफ दिस में करंट जा रहा है और वहां पे थोड़ा सा करंट जो है वो एक्शन पोटेंशियल जो है वो स्टॉप कर रहा है। तो जब वो शॉर्ट हो जाएगा तो नॉर्मली हमें टैकीकार्डिया हो जाएगा क्योंकि फिर हार्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक हो गया। हार्ट रेट क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि एक्शन पोटेंशियल को जल्दी टाइम मिल रहा है ब्लड मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन के लिए, वो जल्दी रिलैक्स हो रहे हैं, डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन जो है वो फास्टली इंक्रीज हो रही है क्योंकि एवी बंडल और बंडल ऑफ एवी नोड और बंडल ऑफ हिज पे जो पीआर इंटरवल शॉर्ट हो रहा है, पीआर इंटरवल शॉर्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि हार्ट डिपोलराइज और रिपोलराइज जो है हार्ट मसल वो फास्ट हो रहे हैं, वो फास्ट हो रहे हैं तो हार्ट बीट जो है वो तेज होगी, हार्ट बीट तेज होगी तो सिंपली मीन्स के टैकीकार्डिया हो गया। अब सॉफ्ट S1 है तो वॉल्व स्टिफ है, वहां पे रिगर्जिटेशन है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है, एनर्जी डिक्रीज है, पीआर इंटरवल लॉन्ग हो गया, ठीक है, ब्रैडिकार्डिया हो गया। आगे S1 S2 ये है डायस्टोलिक, इसमें क्या है कि सेमी ल्यूनर वॉल्व्स जो है वो क्लोज हो रहे हैं, ठीक है, इसमें A2 कंपोनेंट है और P2 कंपोनेंट है। अब A2 प्रोसीड कर रहा है P2 में क्योंकि एओर्टा में जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो P2 से ज्यादा है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सडनली जब एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व पल्मोनरी आर्टरीज में ब्लड जाता है वेंट्रिकुलर से तो वहां पे ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है, ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है यानी एओर्टिक प्रेशर या पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर क्रिएट होता है जो बैक फ्लो करता है ब्लड फ्लो को। अब ब्लड जो है वो बैक मूव नहीं करता जिसकी वजह से सेमी ल्यूनर वॉल्व जो है वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, इसको हम बेस पे लाउडेस्ट सुन सकते हैं। अब रेस्पिरेशन का इफेक्ट क्या है? रेस्पिरेशन का जो इफेक्ट है वो लेफ्ट हार्ट पे ज्यादा है, सॉरी कम है, और राइट हार्ट पे ज्यादा है। अब जब S2 साउंड को स्प्लिट करती है, S2 साउंड को स्प्लिट करती है वो इस वजह से स्प्लिट करती है जब पल्मोनरी वॉल्व जो है वो बाद में क्लोज हो, एओर्टिक वॉल्व पहले क्लोज हो जाए तो जो डब की साउंड है वो स्प्लिट कर गई क्योंकि एओर्टिक वॉल्व जो है वो थोड़ा सा पहले क्लोज हो गया और पल्मोनरी वॉल्व जो है वो बाद में क्लोज हुआ। आगे है S3, इसमें गैलप्स प्रोड्यूस होते हैं, बेसिकली लो फ्रीक्वेंसी साउंड है जिसको हम कहते हैं टा, तो इसमें लब डब टा। इफ इंडिकेट हार्ट फेलियर, इसमें क्या है कि लो पिच साउंड्स हैं S1 और S2 से पहले आपको बता दिया। अब ट्रेनिंग एथलीट्स में ये नॉर्मल है थोड़ी सी क्योंकि ब्लड जो है वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ तो ब्लड जो है वो बैक फ्लो कर रहा है, प्रेगनेंसी में भी ये नॉर्मल है, लेकिन जो एमरजेंसी में अगर वो रीमर्ज कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसको डायलेटेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है या लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है। अब S3 है वो है प्रोटोडायस्टोलिक गैलप्स और वेंट्रिकुलर गैलप्स, और S4 क्या है? या प्रीसिस्टोलिक गैलप्स
और एट्रियल गैलब्स, ठीक है। इसमें वो लब डब टा था, ये टा लब डब है, ठीक है। इसमें पैथोलॉजिकल स्टेट है, ठीक है। एस थ्री जो है वो यूजली एथलीट्स में भी हो सकता है और प्रेगनेंसी में भी काज हो सकता है। अब पैथोलॉजिकल स्टेट में क्या है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल हुआ, ठीक है, किसी कार्डियक मायोपैथी की वजह से, तो एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब ब्लड वेंट्रिकुलर जो है वो फेल है, तो ब्लड जो है वो थोड़ा सा वहां पे टर्बुलेंस क्रिएट होगी एट द एंड ऑफ डायस्टोल एंड इमीडिएटली बिफोर S1, तो उसको हम S4 कहते हैं। अब मर्मर्स क्या है, अब नॉर्मल वॉल्व्स हैं, वहां पे टर्बुलेंस फ्लो होगी है ब्लड की, ठीक है। सेप्टा जो है वो डिफेक्ट है, प्रॉपर उनकी क्लोजर नहीं है, या आउटफ्लो जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, तो वॉल्यूम वहां पे इंक्रीज होगा, वेलोसिटी फ्लो की इंक्रीज होगी वहां पे, तो टर्बुलेंस इंक्रीज होगी, ठीक है। अब नॉर्मल हार्ट में भी मर्मर्स इंक्रीज हो सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या एथलीट्स में, या रेस्टिंग ब्रैडीकार्डिया, या चिल्ड्रन विद फीवर। अब मर्मर्स क्लासिफायर हैं सिस्टोलिक में बिफोर बिटवीन S1 S2, डायस्टोलिक में बिटवीन S2 एंड S1, सिस्टोलिक इजेक्शन में फर्स्ट हार्ट साउंड से रिलीज इंक्रीज होते हैं, और मिड सिस्टोल में तक पीक करते हैं, और सेकंड हार्ट साउंड से पहले ही टर्मिनेट कर जाते हैं। पेंटस्टोलिक हैं वो ऑल सिस्टोलिक फेज के दौरान मर्मर्स आते हैं, पेंडायस्टोलिक या हॉलो डायस्टोलिक ड्यूरिंग आल डायस्टोल, प्रो डायस्टोलिक अर्ली डायस्टोलिक में, प्री सिस्टोलिक लेट डायस्टोलिक में, और कॉन्टिन्यूस जो हैं वो सिस्टोलिक और आल डायस्टोल फेज में मर्मर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। अब पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब है, ठीक है, किसी पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन पे इन्फ्लेमेशन काज होगी, इजेक्शन क्लिक है, तो जो वॉल्व हैं वो स्टिफ हैं, वहां पे जो हमें हाई पिच और साउंड प्रोड्यूस होगी। अब ओपनिंग स्नैप्स, अब डायस्टोलिक फेज में जब ट्राइकस्पिड या माइट्रल वॉल लीफलेट्स हैं वो रिकॉइल करते हैं अब्रप्टली, तो वहां पे साउंड प्रोड्यूस होती है। तो हमारा लेक्चर यहाँ तक खत्म हुआ, अगले वीडियो में हम बात करेंगे असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। So stay tuned please. Thank you and Allah Hafiz.